नमस्कार मित्रों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। वृश्चिक राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, और आपके लिए ईश्वर से दोनों हाथ जोड़कर खास रिक्वेस्ट करते हैं कि है प्रभु, किसी के घर धन दौलत की बरसात हो या ना हो, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए कोई ना तरसे। दोस्तों, आज दोपहर 3 तई के बाद पूरे 10 लाख रुपए की लॉटरी लगने वाली है। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक नहीं, दो दो बड़ी लॉटरी एक साथ लगने वाली है। दोस्तों, धन की देवता भगवान कुबेर महाराज जी के असीम आशीर्वाद से आज दोपहर 3:30 बजे के बाद एक साथ दो दो बड़ी लॉटरी लगेगी। जी हाँ, जिसे आप मालामाल हो जाओगे। दोस्तों, अगर यह बात झूठ निकली तो ओएस माइट हजाम दायरों का इनाम देंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 3 थाइस के उपरांत आपकी कुंडली में जो मोड़ आने वाला है, जो परिवर्तन होने वाला है, देखकर आप कहोगे, हे भगवान, आखिर यह क्या हो रहा है? यह तो वही हो गया जो हमने कभी सोचा नहीं था। जी हां, लेकिन भगवान, मुझे पता है जो भी होता है सब अच्छा ही होता है, और आप जो भी करते हैं सब सोच समझ कर ही करते हैं। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु, आप किसी को मालामाल कर देते हैं तो वही किसी को कंगाल कर देते हैं। प्रभु, आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता। मानता हूं आपकी, आपके घर थोड़ा देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। प्रभु, आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनाए रखना, और जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल देते हैं। रहना दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सारी परेशानियां खत्म करेंगे देवों के देव भगवान महादेव और धन की देवी महालक्ष्मी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, आपसे बड़ा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों, दो बड़े देवता का कृपा दृष्टि अब एक साथ आपके ऊपर पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि एक विचित्र घटना आप सभी के जीवन काल में घटने वाली है। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह घटना बहुत ही शुभ है और आप सभी के जीवन काल को पूरी तरह से बदलने वाली घटना है। जी हां दोस्तों, इस घटना के बाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों, भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान अगर एक रास्ता बंद कर दे तो कभी भी मायूस नहीं होना है, दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि भगवान अगर एक रास्ते बंद कर दे तो वह अनेकों रास्ते खोल देते हैं। भगवान वह नहीं करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, भगवान तो वह करती है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए तो भगवान की महिमा महान है दोस्तों। जी हां दोस्तों, भगवान आपको इतना कुछ देने वाले हैं, अगर सही तरीके से आप इसे प्राप्त कर लेंगे तो जीवन में कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। इस बात की गारंटी है, आने वाले समय में गरीबी और दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, चलिए जानते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे, और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या असर होगा। इसी के साथ इन दिनों आपकी कैरियर कैसी रहेगी, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो वही आपका स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथी। किन चीजों से आपको सावधान रहने होंगे और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बड़ी मात्रा में धन लाभ हो सकती है। सबसे पहले भगवान महादेव और मां लक्ष्मी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। भगवान महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप वो आपके पूरे परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक अनमोल विचार से भगवान ने हमें सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़कर जाइए। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपने जीवन में सदा प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा ना ही मिलेगी और ना ही आपको दोबारा मौका देगी। बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहिएगा जय माता दी। चलिए दोस्तों, जानते हैं दोस्तों, देवों के देव महादेव की ओर से
आज आपको कई सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। जैसे कि किसी बात की कोई चिंता आपके मन में बहुत दिनों से करते आ रहे थे, वह चिंता व परेशानी देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से दूर होने वाले हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आज आपको ससुराल पक्ष की ओर बहुत बड़ा तोहफा यानी कि गिफ्ट मिलने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष के जो ग्रह सितारे हैं वह पूरी तरह से आपके हित में है। वह आज आपको हर तरह से लाभ ही लाभ देने वाले हैं। लेकिन आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है। वह है कि आज आपको कटु वाणी प्रयोग नहीं करना है। वाणी में जितना हो सके मिठास मधुरता बनाए रखें और सभी के दिल जीतने का प्रयास करें तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसके उपरांत सितारे इस बात को लेकर संकेत दे रहे हैं कि बेरोजगार लोगों के लिए समय अभी बहुत बढ़िया है। अब आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों पर ध्यान देंगे। साझेदारी में किसी काम को करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अविवाहित जातकों की उनके पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। कुछ कठिनाइयां रहने के कारण आपको अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी। आप बिजनेस में यदि कोई बड़ा बदलाव करेंगे तो वह आपके पार्टनर और आपके बीच किसी लड़ाई झगड़े को उत्पन्न कर सकता है। विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आपको उसकी उच्च शिक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए व्यर्थ के वाद विवाद में फंसने से बचने के लिए रहेगा। जीवन में चल रही समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। यदि परिवार के सदस्यों में आपसी मनमुटाव चल रहा है तो आप उसे दूर करने की कोशिश करें। आपको अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी पर बहुत ही सोच विचार कर धन व्यय करना होगा। व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाएं, अन्यथा आर्थिक परेशानी खड्डी हो सकती है। परिवार में आप किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें। आज का दिन आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपके परिवार में किसी सदस्य को आज कुछ नए अनुबंधों से समस्या हो सकती है, जिस कारण आपको भाग दौड़ अधिक रहेगी। आपने यदि किसी के कहने में आकर कोई बड़ा निवेश संबंधी फैसला लिया तो धन हानि की संभावना है। आप यदि किसी को कोई सलाह दे तो आप बहुत ही सोच विचार कर सलाह लें। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। जीवन साथी से आप किसी संतान संबंधित समस्या को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपकी पारिवारिक समस्याएं बड़े सदस्यों की मदद से दूर होती दिख रही हैं। आपने यदि घर में कुछ बदलाव करने का सोचा था तो उसके लिए आज दिन अच्छा रहेगा। बहन भाई के बीच हो रहे मनमुटाव को सुलझाने का प्रयास करें। परिवार में लोगों को आपकी बात पसंद आएगी, लेकिन किसी मनमुटाव के कारण आपका मन परेशान रहेगा। आपको किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई जरूरी जानकारी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। जो जातक नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके मन की किसी इच्छा की पूर्ति होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। आपके पिताजी यदि आपको कोई जिम्मेदारी दे तो उसे सावधान रहकर पूरा करें। परिवार के सदस्यों का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। व्यवसाय में आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिले तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ऑनलाइन यदि आपने कहीं शॉपिंग की थी तो उसमें आपके साथ कोई गड़बड़ी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का यदि आपको मौका मिले तो आपस उसमें कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें। आपको किसी परिजन की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करें। यदि आपने किसी निवेश संबंधी योजना में धन लगाया था तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको काम अधिक रहने के कारण तनाव रहेगा, जिस कारण आपको शारीरिक थकान, कमजोरी आदि जैसी समस्या हो सकती है। आपको किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। आप किसी को बिना मांगे सलाह ना दें। आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाएं, तभी आप उन्हें आसानी से पूरा कर पाएंगे। यदि आपने किसी नए बिजनेस की शुरुआत की थी तो आपको उसमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको जीवन साथी के व्यवहार के कारण आपको कुछ समस्या रहेगी,
जिस कारण आपके बीच मन मुटाव बने रहेंगे। आप अपनी संतान के संगति की ओर विशेष ध्यान दें। आज का दिन आपके लिए सोचे समझे कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। व्यवसाय में आपको आज किसी से पार्टनरशिप करनी पड़ सकती है, तभी आपकी तरक्की के मार्ग खुलेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को पने कामों को बहुत ही सावधान रहकर करना होगा। आप अपने मन की किसी इच्छा को लेकर अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको किसी नई तकनीक का पता चल सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ किसी कोर्स के प्रति भी जागरूक रहेंगे। आज का दिन आपके लिए बाकी दोनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आप किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए सोच विचार कर सकते हैं। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठकर सुलझाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान को तरक्की करते देख आपको खुशी होगी। परिवार में भाई व बहनों एक दूसरे की परवाह करेंगे। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आप किसी नए काम की प्लानिंग कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई प्लानिंग करेंगे, जिससे आपको समस्या खड्डा भी हो सकती है। परिवार में कोई पारिवारिक संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से ही मामला सुलझने की संभावना है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है। आज आपको कार्य क्षेत्र में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। आप अपने किसी मित्र के कहने में आकर कोई बड़ा निवेश न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आप किसी कानूनी मामले में सोच समझकर कोई बयान दें, नहीं तो आप किसी बड़े विवाद में फंस सकते हैं। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। कोई भी गुप्त जानकारी आप किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर न करें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में लंबे समय बाद राहत मिलती दिख रही है। फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। यदि आपने किसी से पहले कुछ कर्जा लिया था तो आप उसे काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। बिजनेस में रुका हुआ धन आपको वापस मिलने की संभावना है। परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में आपकी कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी जो आपको अच्छा लाभ देगी। संबंधों में उलझन, दोहरे अर्थों वाली बातचीत तथा गलतफहमियां आज पूरे दिन आप पर हावी रहेंगी, लेकिन इससे किसी नुकसान की बजाय मनोरंजन की उम्मीद ज्यादा है। इसीलिए इनके बारे में चिंता करने की बजाय अपने मूड को हल्का फुल्का रखें और हो रही घटनाओं का आनंद उठाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। आपको अपने दिमाग को सख्ती से आदेश देकर यह सिखाना होगा कि आपको केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही खानी हैं और आपको हर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करनी ही है। यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा अनुभव होगा। अगर जरूरत पड़े तो खुद से अकेले में पूछें, आप कैसे हैं? इससे आपको खुद का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। आपकी लव लाइफ कुछ ठहरी हुई सी है। आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सिंगल और काफी अलर्ट हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि जिंदगी में किसी का साथ पाने की बजाय और भी बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो अपने जीवन में किसी का स्वागत करने के लिए नए टिप्स इकट्ठे कर सकते हैं। आप किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के बिना छुट्टियों के कुछ दिन बिताने के बाद अब वापस अपनी कार्य करने की शैली में वापस आ गए हैं, लेकिन आपके ग्राहकों सहयोगियों के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता। उन्हें समझे और उनकी समस्याओं के प्रति सम्मान दिखाए। उन्हें कार्यों से हटकर कुछ मानसिक शांति देने का प्रयास करें, लेकिन उन्हें ऐसा न लगे कि आप उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। आप अपने दोस्त की गलती की जिम्मेदारी खुद लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसके नतीजों के बारे में भी सोच लें। किसी कानूनी पचड़ीढ़े में भी पड़ रिहट सकते हैं। कोई ऐसी घटना होगी जो आपको कभी ना भूलने वाला सबक देगी। कुछ अलग दिखें, कपड़े या अपना बाल बनाने का तरीका बदल लें। आप काफी संवेदनशील हैं और आपका पाचन तंत्र भी।
जैसे ही आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जो आपके पाचन तंत्र के अनुकूल नहीं होता तो आपका शरीर इसे रिजेक्ट कर देता है। आपको इसी कारण उलटी और दस्त हो सकते हैं। अगर आप संभले नहीं तो समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है। देसी स्तर पर तैयार की गई दवाइयां अपनाने की कोशिश करें। आपकी लव लाइफ में रोचक समय चल रहा है। जिन्होंने अब भी किसी के साथ अपने संबंध की शुरुआत की है उन्हें इसे मजबूत बनाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। आप दोनों प्यार और प्रतिभा दोनों को ही एक साथ बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में सोच खुली रखें लेकिन अभी कोई योजना निश्चित न करें, केवल समय के साथ चलते जाए। आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। यह भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखें। ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। आप एक साधारण आदमी हैं और इसीलिए आप संबंधों में कोई चालाकी नहीं करते। इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ जाता है लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। आप पेट के खराब होने से परेशान हो सकते हैं इसीलिए तैलीय खाना कम खाने की कोशिश करें। पानी भी खूब पिएं। शाम तक आपको कुछ बेहतर महसूस होगा लेकिन जिनको पहले से इस प्रकार की कोई तकलीफ है उनके लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ रोमांटिक संबंध रखने से व्यर्थ का तनाव और परेशानियां पैदा होंगी। अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग रखने की कोशिश करें। अपने संबंध में और अपने मन में भी उपज रहे तनाव को कम करने के लिए अपने पार्टनर के साथ कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन करें। बिना बात की चिंताओं और तनाव से आपको संबंध में असुरक्षा महसूस होगी। आप अपने आप को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित अनुभव कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाना चाहिए। यह परेशानी आज और ज्यादा बढ़ेगी और आपके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि आपके फैसले लेने की क्षमता भावनाओं और दूसरे कारणों से प्रभावित हो सकती है। आपकी खाना खाने संबंधी आदतें कभी भी बहुत अच्छी नहीं थीं। आपकी स्वास्थ्य ठीक रखने की सभी नेक इच्छाएं और कोशिशें मजेदार फास्ट फूड देखते ही मिट्टी में मिल जाती हैं लेकिन आप ऐसा करते नहीं रह सकते। आपको आज काफी आतले हुए और मीठे स्नैक्स खाने से बचना होगा क्योंकि इससे आपको पेट की गंभीर तकलीफें हो सकती हैं। आज आपको जरूर अपने लिए उपयुक्त और अधिक स्वास्थ्य अनुकूल डाइट प्लान बनाना चाहिए। भाग्य लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है। जो लोग विलासिता के सामान के व्यवसायों में शामिल हैं वे लोग आज बहुत लाभ में रहेंगे और साथ ही साथ जो लोग स्वरोजगार में हैं वे भी अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ मनवांछित राशि की प्राप्ति कर सकते हैं। उन लोगों पर ध्यान न दें जो लोग आपकी सराहना करने में विफल रहते हैं। बस अपनी विशेषज्ञ कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्वीकार करें। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दुहक न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। ऐसे पार्टनर की तलाश करें जो आपके साथ स्वस्थ आदतें बांटने के लिए तैयार हो। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपकी बात सुने बिना ही केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ बनाकर भावनात्मक रूप से आपको प्रयोग करना चाहते हैं। अगर वे अपनी हद से गुजर जाएं
तो आपको भी उनसे अलग हो जाना चाहिए। आपको किसी मजाकिया आदमी के साथ बहुत मजे करने का मौका मिलेगा। वह आपके दिल के बहुत करीब भी है और आपको कोई ऐसी ही हमसफर चाहिए। दूसरों की उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिसमें वे आदर्श पार्टनर के बारे में बताते हैं। व्यवहारिक और संवेदनशील बने। अगर आपको वास्तविकता कुछ रास नहीं आ रही तो आप इसे सुधारने के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं। ये समय अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियों के बारे में चिंता न करने का है। यह आपके लिए जीत का युग है। आप अपनी रणनीति के साथ दृढ़ हैं और अपने शब्दों के साथ अत्यंत सटीक रहेंगे। आपको पैतृक संपत्ति से या अपने अतीत के निवेश से कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन मौद्रिक लेन देन में शामिल किसी पर भी भरोसा न करें और सावधान रहे। यह सोचने और जानने के लिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, कुछ देर एकांत में बैठें। पिछले कई दिन काफी व्यस्त रहे हैं, इसीलिए आपको अपने उद्देश्यों का फिर से मूल्यांकन करना है और यह भी देखना है आप उन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके काम और आपकी सेहत के बीच संतुलन ला सकते हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस संबंध में मेल करके समाधान पूछ सकते हैं। इन बदलावों से आपको आराम मिलेगा। आप अपने आप को फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे जो आपको आपके विभिन्न लक्ष्यों का उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करेंगे। आज आप पर भावनाओं का काबू रहेगा। पिछले कुछ दिन से आपने अपने आप को बहुत नियंत्रण में रखा है, लेकिन आज अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति को छुपाने की आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। किसी ऐसे काम से अपने पार्टनर को सरप्राइज दें। आपको अपने खुद के स्वभाव में कुछ गहरी विशेषताओं का पता चलेगा और अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी अच्छे से समझ पाएंगे। जहां तक संबंधों का सवाल है, दिन अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ एक शांत समय का आनंद ले पाएंगे। जो आपके पास है उसी के साथ खुशियां मनाएं। छोटे मोटे घरेलू कामों में अगर आप पार्टनर की सहायता करेंगे तो आपके संबंध में इससे एक तरह की संतुष्टि आएगी जिससे आपको खुशी और आपके प्यार को एक नया आयाम मिलेगा। आज सितारे उन लोगों के पक्ष में है जो कि अचल संपत्ति में या निर्माण व्यवसाय में हैं। यह संपत्ति खरीदने के लिए एक अच्छा समय है। आज एक लघु एवं अच्छे सौदे का अवसर आपको घर की खरीद में मिल सकता है। इस क्षेत्र में किया गया निवेश अब आपको फल देगा। अच्छे परिणाम के लिए आप आज अचल संपत्ति में निवेश शुरू कर सकते हैं। आप आज होने वाली घटनाओं के कारण और कई तरह की उलटी सीधी सूचनाओं के कारण खुद को उलझन में फंसा हुआ अनुभव करेंगे। इस समय आपका सही मार्गदर्शन आपके मन की आवाज ही कर सकती है। जैसा आपका मन कहता है वैसा ही करें। इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं। आप पिछले कुछ समय से लगातार लंबी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, परंतु आज से आपकी स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या काफी पुरानी है तब भी आपको इसके लिए आज कोई लंबे समय तक के लिए समाधान मिल जाएगा। कुल मिलकर आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सुधार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें। आज अपने साथी के साथ बाहर जाने का उपयुक्त समय है। इस समय का कुछ हल्की फुल्की बातों से आनंद ले। किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचें। साथ ही साथ अपने साथी की भावनाओं को तोलने की कोशिश न करें। आपका साथी भी जश्न के मूड में है और किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचने की मुद्रा में है। हालांकि अभी सब कुछ थोड़ा जल्दबाजी होगी। आपका ये रिश्ता बहुत गहरा होकर फैल सकता है या एक सिटी की तरह बजने के बाद टाई टाई फिस हो सकता है। अच्छे समय का आनंद उठाएं।